नमस्कार। आज फिर हम एक नई कड़ी लेकर आपके साथ जुड़े हैं साहित्य के रंग शैलजा के संग इस कार्यक्रम में टैग टीवी के माध्यम से। सितंबर 14 हिंदी दिवस का दिन, पूरे भारत में और भारत से बाहर हिंदी भाषियों के लिए एक उत्सव का दिन, उत्साह का दिन, हिंदी प्रेमियों के लिए एक नई आशा का दिन कि हमारी हिंदी भाषा विश्व के स्तर पर फिर से एक बार जानी पहचानी जाए। 1939 से हिंदी दिवस की ये परंपरा चली आ रही है और आज तक अनेकों कार्यक्रम इस हिंदी दिवस पर होते रहे हैं। हम लोग भी आज यह हिंदी दिवस यहाँ टैग टीवी में इस कार्यक्रम में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी चार पीढ़ियाँ हिंदी से जुड़ी हुई हैं। वो हैं डॉक्टर हरीश नवल और डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी, जो कि हिंदी पढ़ाते रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। दोनों जने मैं उनका परिचय दूंगी। और उनके जो बेटी हैं आस्था नवल, डॉक्टर आस्था नवल, वो इस समय वॉशिंगटन में मैरीलैंड में एक कम्युनिटी कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं। उनके बच्चे भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी के पिताजी भी हिंदी भाषा के प्राध्यापक प्राचार्य रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार हिंदी से इन सभी पीढ़ियों का जो जुड़ाव है वे बेहद प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इसको पहचाना गया है, प्रतिष्ठा मिली है। लेखक हैं, प्राध्यापक हैं, हिंदी के बारे में सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करने वाला ये परिवार हम सब के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणा का और आदर का विषय है। तो आज हम मिल रहे हैं सबसे पहले सबसे छोटी पीढ़ी यानी कि आस्था, डॉक्टर आस्था नवल के बच्चों से। उनका नाम है आयुष और अर्जुन। नमस्ते आयुष। नमस्ते अर्जुन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटे। तो आयुष और अर्जुन, आयुष आप कितने साल के हैं? 7। 7 साल के हैं। और अर्जुन आप बेटा आप कितने साल के हैं? 5। 5 साल के। अच्छा, आज आप हमें हिंदी में कुछ सुनाने वाले हैं ना? हाँ जी। क्या सुनाएंगे, सुनाइए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन। बंदे हम उसके हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत है कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो तुम लोग मम्मी से, पापा से, नाना नानी से सबसे हिंदी में बातचीत करते हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा गान। और तुम्हारी तो मम्मी कविताएं भी लिखती है, नाना जी भी बहुत कुछ लिखते हैं, नानी भी बहुत कुछ लिखती है। तो अगर तुम हिंदी सारा पढ़ना लिखना सीख लोगे तो उनका लिखा हुआ पढ़ सकोगे, है ना? सो हिंदी मम्मी से पापा से सीखते रहना और हमारे इस कार्यक्रम में बीच बीच में ऐसे ही आते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत सारा प्यार। तो अभी आप लोगों ने सुना छोटे बच्चों का यह मधुर गान। जब हमारे छोटे बच्चे इतने उत्साह से भरकर हिंदी की कविता, हिंदी का कोई गान प्रस्तुत करते हैं तो मन हर्ष से भर जाता है। एक नया विश्वास हमारे मन में उठ जाता है कि हमारी नई पीढ़ी हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को आगे लेकर जाएगी। अर्जुन और आयुष के बाद अब हम मिल रहे हैं उनकी माँ, उनकी मम्मी डॉक्टर आस्था नवल से। डॉक्टर आस्था नवल, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बच्चों ने बहुत मीठा गाया और बहुत उत्साह से गाया, और क्यों ना गाएं, जिसकी माँ ने चार चार किताबें लिखी हो,
जिनकी माँ हिंदी की महारथी हैं और कॉलेज में आप आज भी पढ़ा रही हैं आस्था, तो ऐसे बच्चों में तो यह प्रेरणा आएगी ही आएगी। तो आज हम जो हिंदी दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा लग रहा है कि हम आपके पूरे परिवार से धीरे धीरे मिल रहे हैं। आस्था, आपने 4 किताबें अभी तक लिखी। 19 साल की आयु में आपने आस्था की डायरी लिखी थी, उसके बाद आपने फिर एक काव्य संकलन निकाला और फिर आपने लड़की आज भी लिखी, अभिनय चंद्रगुप्त और विस्थापित मन, अभी आपकी नई किताब। आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, हिंदी के आप जानी मानी लेखिका हैं। तो यहाँ पर हिंदी पढ़ाते हुए, क्योंकि आपने इंद्रप्रस्थ कॉलेज में भी पढ़ाई है, आपने भारत में हिंदी पढ़ाई है वहाँ की विश्वविद्यालय में, अब यहाँ पे आप हिंदी पढ़ा रही हैं, आपको कैसा लगता है, क्या अंतर दिखाई देता है, पहली बात? और दूसरी बात ये कि हिंदी दिवस मनाने के लिए आप लोग क्या खास अपने कॉलेज में करते हैं? एक तो ये कि अंतर तो बहुत है, वहाँ मैं साहित्य पढ़ाती थी, यहाँ कखग पढ़ाती हूँ। जी जी हाँ, हिंदी बचपन से जानने वाले स्टूडेंट्स आते थे, वो ऐसे छात्र होते थे जो विमर्श करते थे, और यहाँ पे ऐसे छात्र होते हैं जो भारत के बारे में भी जानना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं, और संस्कृति को जानने की भी ललक बहुत है, और बहुत सारे छात्र बॉलीवुड देखने की वजह से हिंदी पढ़ना। ये तो सही है। जी जी जी, अंतर तो बहुत है। बाकी हिंदी दिवस, सबसे पहले तो हमारे घर में जो मेरे सास ससुर हैं वो हिंदी नहीं पढ़ाते, पर उन्होंने शादी हिंदी दिवस पे की थी। अच्छा। मैं 14 सितंबर हमेशा खूब धूमधाम से मनाया जाता है, और कॉलेज में हमारा जो सेशन है 9 सितंबर या 12 सितंबर से ही शुरू होता है। तो हिंदी दिवस उस तरह से, क्योंकि अभी जो कक्षा शुरुआती होती है और कुछ बच्चे आ रहे होते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, ऐसा सब रहता है, तो हिंदी दिवस ना मना के हम हिंदी और भारत का उत्सव मनाते हैं दिवाली के दिनों में। अच्छा, में होता है, तो उसमें हमारे जो छात्र हैं वो हिंदी पर बोलते हैं और संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में रहने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति है, अच्छा, वो कई बार मंदिरों में कई सारे कार्यक्रम कराती है, जहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े छात्र तक, तो उसमें मेरे छात्र भी जाते हैं और अपना अच्छा। हिंदी बताते हैं। मंदिरों में होता है, एक दो ऐसे संस्था हैं यहाँ पर जो, जिन्हें मुझे लगता है कि कनाडा में भी ऐसा होता होगा, जिन्हें सैटरडे और संडे स्कूल कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके भी छात्र होते हैं, उनका अलग उत्सव मनाया जाता है, तो कॉलेज में नहीं लेकिन पूरे डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड का जो मिक्सचर है यहाँ, वो सब मिलके बहुत धूमधाम से हिंदी दिवस मनाते हैं, और एक नहीं कई तरह के उत्सव होते हैं। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तो कौंसलेट जनरल के ऑफिस में भी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं 14 सितंबर को? जी बिल्कुल होता है, डीसी में जो एम्बेसी है उसमें होता है, और वहाँ पे कभी कभी कवि बुलाए जाते हैं, कभी चुनिंदा लोग भारत से आते हैं। अच्छा। और भारत से आए हुए कवियों का बहुत आदर होता है। ऑफ कोर्स, सही बात है। मेलों का भी आयोजन होता है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कितनी संख्या होगी छात्रों की आपके कॉलेज में और ये जो संडे स्कूल है, क्योंकि प्रायः ये सुनने में मिलता है कि जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ नहीं रही है या घटने लग गई है, तो ये एक थोड़ा सा उससे निराशा सी होती है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? निराशा बिल्कुल नहीं है अगर सैटरडे और संडे स्कूल की बात करें। अच्छा। क्योंकि वो सारे होते हैं अधिकतर हेरिटेज स्टूडेंट्स। हाँ, जिनके माता पिता भारतीय होते हैं पर वो उनका जन्म यहीं पे हुआ होता है, तो ना केवल हिंदी भाषी माता पिता पर दक्षिण भारतीय जिनकी पहली भाषा हिंदी है, यहाँ तक कि गुजराती और पूर्वी भाषी लोग भी, पूर्वी हिंदुस्तान से आए हुए लोग भी, वो भी बच्चों को हिंदी की ही क्लासेस में एनरोल कराते हैं और बहुत उत्सुकता से सिखाना चाहते हैं। साथ में
मेरे पास, मैं स्काइप वगैरह पे भी हिंदी पढ़ाती हूँ, तो कई लोग आते हैं जो व्यस्क होते हैं, जो बच्चे नहीं होते, तो वो भी सीख हैं। और साथ में जब कॉलेज की बात की जाए तो एनरोलमेंट जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ ये हिंदी बंद हो गई थी, पर अब उन्होंने शुरू करी है। अच्छा। तो मैक्सिमम नंबर जो है बच्चों का वो 10 से 12 है, तो अभी उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हिंदी बहुत सारे कॉलेजेस में है, खास करके अगर न्यूयॉर्क की बात करें, NYU। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो काफी लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा है। और मुझे एक बार येल यूनिवर्सिटी में जजमेंट करने के लिए बुलाया गया था वाद विवाद की, और मैं बहुत हैरान हुई थी कि वहाँ इतने अच्छे स्तर की हिंदी बच्चे बोल रहे थे जो अब हम अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में सुनने को तरस जाते हैं। सच्ची, तो ये मैंने भी यहाँ पे देखा कि अमेरिका में बहुत सारे जो रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, स्टार रीडिंग प्रोग्राम्स के तहत भी बहुत सारे बच्चे मतलब आते हैं, और टीचर्स बहुत सारे। और एक बार 2014 में न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें पूरे अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय, हार्वर्ड से भी आए थे हिंदी के प्रोफेसर्स, और बहुत अच्छे, रूपर्ट स्नेल जी तब हुआ करते थे ऑस्टिन में। तो आप लोगों के यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। आस्था, हमें ये बताएं कि कोई ऐसा सुझाव आपको दिखाई देता है, मन करता है देने का, जिससे कि हिंदी को वह स्तर, वह प्रसार प्रचार और वह ऊर्जा मिल सके जिसकी कमी बहुत सारे लोगों को महसूस होती है, कोई एक ऐसा सुझाव? मुझे वैसे कमी महसूस नहीं होती, लेकिन सही बात है, यह उनके लिए सुझाव है कि पहले अपने बच्चों को और अपने घर में हिंदी बोलना सीखे। सही बात है, अपने घर में काम किया नहीं और बाहर शोर मचाते रहे, उससे कुछ होने वाला है नहीं। माता पिता आते हैं जो कहते हैं कि आप सीख नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप बात करते हैं हिंदी में घर में, तो वो कहते हैं नहीं, बड़ी मुश्किल लगती है। तो ऐसे माता पिता के लिए ही संदेश है कि आप हिंदी में बात करेंगे तो बच्चा जरूर हिंदी में बात करेगा। बहुत अच्छा लगा आस्था आपसे बात करके, और हम लोग फिर बीच बीच में इसी तरह से स्काइप पर बातचीत करते रहेंगे, आपको मैं विभिन्न विषयों पर इसी तरीके से आमंत्रित करती रहूँगी, और आशा है हम लोग जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। तो अभी हम मिले डॉक्टर आस्था नवल से, जो कम्युनिटी कॉलेज मेरिडलैंड में हिंदी पढ़ाती हैं और हिंदी के प्रति बहुत आश्वस्त हैं। आशा है इस तरह से हम कनाडा से अमेरिका इसी तरीके से उनसे बातचीत करते रहा करेंगे। लेकिन अब हम मिल रहे हैं आयुष और अर्जुन के नाना और नानी जी, यानी डॉक्टर हरीश नवल, डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी से। डॉक्टर हरीश नवल जी हिंदू कॉलेज से रिटायर हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले सर का जो भी परिचय हो, वो मेरे गुरु रहे हैं, मास्टर्स में उन्होंने मुझे नाटक पढ़ाया है, सबसे पहला परिचय तो मैं ये देने में गर्व का अनुभव, गौरव का अनुभव करती हूँ। इसके साथ ही साथ डॉक्टर नवल ने अनेक किताबें लिखी हैं, उनका बागपत के खरबूजे, जबकि बहुत ही युवा थे वो उस समय पे, युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको उस पुस्तक पे मिला। व्यंग्यकार होने के साथ साथ वो एक समीक्षक हैं, ब्लॉग लिखते रहे हैं फिल्मों में, और अनेक सीरियलों की उन्होंने पटकथा, संवाद आदि लिखे हैं, और अनेक उन्होंने पुरस्कार, अवार्ड जीते हैं। तो सबसे पहले तो युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, इसके साथ ही उन्हें पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार मिला, जो कि मादक पदार्थ और पुलिस की भूमिका जैसे विषय पर उन्होंने जो लेख लिखे थे उसके लिए, और एक पुस्तक लिखी थी दरअसल, जो कि आज भी बहुत सारे पुलिस स्टेशंस पे मिलती है। किरण बेदी जी द्वारा स्थापित नव ज्योति चिकित्सालय में उन्होंने थीम गीत लिखा, और इसके साथ ही माध्यम का अट्टहास सम्मान, फिक्र तौसवी सम्मान, जैनेन्द्र कुमार सम्मान, काका हाथरसी सम्मान उन्हें मिला है। उनकी दो आलोचना की पुस्तकें भी हैं, हिंदी नाटक 3 दशक, हिंदी रंगमंच संदर्भ, वीरगढ़ के वीर तमिल भाषा में भी अनुदित हुई, और उनकी संस्मरणात्मक पुस्तक निराली की गली भी बहुत प्रसिद्ध हुई। व्यंग यात्रा, व्यंग तरंग और कल्पांत के विशेषांक भी डॉक्टर नवल पर आधारित होकर के प्रस्तुत किए जा चुके हैं। डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी दौलत राम कॉलेज में पढ़ाती रहीं, फिर वहाँ से, वहाँ की प्राचार्या से के रूप में वे वहाँ से रिटायर हो चुकी हैं।
जागृति, साहित्य अमृत, कादम्बिनी, गगनांचल में उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब, कबीर सेवा सम्मान आदि अनेक सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के मनोरंजन टीवी पर उनके लगातार कार्यक्रम आते रहे। उन्होंने रेडियो पर और भी अनेक वार्ताएं दी। बल्गारिया विश्वविद्यालय में उनको आमंत्रित किया गया, उन्होंने वहाँ पे भी अनेक लेख प्रस्तुत किए अपने। इसके साथ ही साथ लेखक होने के साथ ही साथ वे एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिष्ठित चित्रकार भी हैं। और मॉरिशस में जो हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय था, उस पर तीन अन्य कलाकारों के साथ मिलकर डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी ने 3 दिन तक लगातार उस विषय से संबंधित चित्र बनाए सभी लोगों के सामने। तो वे एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं और साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित चित्रकार भी हैं। आप दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें तो बहुत गर्व है कि आप जैसा होनहार जो विद्यार्थी हमें मिला, जैसे हम लोग भी कुछ कुछ अभिनंदित हो जाते हैं। सर, हम लोग और मेरे जैसे बहुत सारे और विद्यार्थी इस बात से प्रसन्न है कि आप हमारे मार्गदर्शक रहे। आपने हमें वो ऊर्जा दी, हिंदी के प्रति वो प्रेम जगाया कि हम लोग जहाँ पर भी हैं, भारत में या भारत से बाहर, आज भी अपनी जड़ों से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और वाकई गुरु अगर दिशा ना दिखाए तो काम होता नहीं है, तो इसके लिए आपको अनेक प्रणाम। नहीं, और वो कहते हैं ना, गुरु गुड़ रहा और चेला शक्ति। तो आप कनाडा में भी आपने इसकी अलग जगाई है। हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं जब भी आपकी रचना पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविता समीक्षा इत्यादि, और जब आपको सुनते हैं यूट्यूब पर, तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा सौभाग्य कि हम अमेरिका में आए हैं, तो आज ये स्काइप के माध्यम से साक्षात्कार होने का मौका मिला है। सही बात है सर, आप यहाँ नहीं आए तो हम वहाँ तक पहुँचे हैं इसके माध्यम से। मैम, मैं आपसे शुरू करूँगी, क्योंकि आप प्राचार्य भी रही और आप हिंदी से तो खैर बहुत समय से, बचपन से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये कि आज जो हिंदी दिवस में का जो मनाना का रूप है उसमें, और पहले के हिंदी दिवस मनाने के रूप में आप क्या अंतर देखती हैं, कैसा कुछ बदलाव आपको दिखाई देता है? बदलाव तो है, नई पीढ़ी अपने तरीके से कर रही है उसको, और हम पहले समय में और ढंग से करा करते थे। और पहले हम लोग करते थे कुछ लेख वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें प्रस्तुत करते थे, पूरे सप्ताह भर तक हम लोग मनाया करते थे अपने कॉलेज में। लोग बुलाते थे, दूसरे दूसरे विश्वविद्यालय से लोग आते थे, और हम कोई विषय दे दिया करते थे और उस विषय पर चर्चा होती थी। पूरे 5 दिन या 3 दिन या 2 दिन की गोष्ठी होती थी, तो इस तरह से पूरी चर्चा उसी विषय को लेकर के हुआ करती थी, अच्छा विवेचन हो जाया करता था उनके साथ। और अब क्या होता है? अब थोड़ा परिवर्तन तो हुआ ही है, फिर अभी भी विषय देती हैं हमारी स्टूडेंट्स हैं और वो हम लोग भी करते हैं, तो उसमें क्या है कि 3 घंटे की होती है गोष्ठी और बस उसी में सब कुछ हो सिमट जाता है। ये तो एक बात है, क्योंकि अगर हम 2 दिन तक किसी एक भाषा को के विविध आयाम का हम उत्सव मनाएं, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है, और 3 घंटे में जो कार्यक्रम होता है उसके प्रभाव में अंतर तो होता ही है। तो जो ये सप्ताह से 3 दिन और 3 दिन से 3 घंटे तक की जो यात्रा जो सिमट रही है, उससे क्या कभी चिंता होती है, कोई परेशानी लगती है? मुझे चिंता नहीं होती। जी जी, ठीक है, अपनी अपनी तरह से लोग करते हैं। आजकल समय की कमी है, लोगों के पास समय नहीं है उतना अधिक, तो इस तरह से करते हैं। पहले आ जाया करते थे लोग, आजकल आते नहीं है। फिर आजकल हमारे पास धन राशि नहीं होती कॉलेज के पास, वो बुलाने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनको धन दें, उनको कहाँ ठहराएं, ये सब प्रबंध करना आजकल मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करते। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और जो भी करते हैं उसकी उन्नति के लिए ही कर रहे हैं। ये नहीं कि 6 दिन तक करें, वो अलग चीज थी कि हम लोग करते थे लगातार इतने इतने दिन और उस अच्छा रहता था, परंतु ये भी ठीक है कि कुछ तो हो रहा है। ये से सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर, आप तो पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी में भी, फैकल्टी में भी पढ़ाते रहे, हिंदू कॉलेज में आप लगातार पढ़ा रहे थे वहाँ पे, और अब आप ICCR की पत्रिका गगनांचल के भी संपादक हैं। तो हिंदी दिवस को आप कैसे रूप में पहले मनाते रहे और अब आप किस तरीके से उससे जुड़े हुए हैं? देखिए, हिंदी दिवस, हिंदी को तो मैं मानता हूँ कि जो उसका किसी भाषा का रूप वही होता है जो हमारी माँ का रूप होता है। जी
जो सम्मान हम माँ को देते हैं और माँ से बढ़कर कोई अधिक सुंदर नहीं हो सकता, उसी तरह से हमारी भाषा होती है। हमारी भाषा ही है जो हमारे जो जो हमारी भावों की अभिव्यक्ति करती है, और इसलिए उसके प्रति एक दिन मनाना बहुत अच्छा लगता है। कि कई लोग इस बात के लिए मजाक भी करते हैं कि जी रोज हिंदी पढ़नी चाहिए, एक दिन मनाया तो क्या मनाया। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप सालगिरह जन्मदिन साल में एक ही बार मनाते हैं, रोज रोज मनाइए ना। साल में एक ही बार मनाते हैं, बाल दिवस एक ही बार मनाते हैं, तो ये तो दिवस है, वो तो एक प्रतीकात्मक स्थिति होती है। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ हम जो आपने बात की कि पहले कैसे मनाते थे तो अब कैसे मनाते थे, तो बहुत अधिक अंतर तो नहीं आया है। जैसे युग धर्म के अनुकूल हर चीज बदलती है। जी जी वो ऐसी उपभोक्ता समाज इतना बड़ा नहीं था, अब उपभोक्ता समाज जो है उसका वर्चस्व कायम है। जी जी उत्पादन आ रहे हैं, वो हिंदी के लिए अब जाते हैं हम हिंदी दिवस पर। तो मैं एक स्कूल में गया, हिंदी दिवस का आयोजन था, तो उन्होंने कहा जी पहले आप दीप दान करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने देखा कि दीप तो नहीं था, वो एक दान पात्र जरूर था, और उसके ऊपर उन्होंने एक बैटरी का मेरे हाथ में दीप दिया और मैंने उसका स्विच ऑन किया और वो जल गया। तो वो जो उसमें तेल की ऊष्मा थी या जो उसकी प्राकृतिक ज्वाला के साथ जो अनुभूति होती थी वो तो मुझे नहीं हुई, और लोगों ने ताली बजा दी। और हाँ ये जरूर रहा कि चाहे कितनी हवा कुछ हो वो जलता रहा, जो उसका तभी जो उसका स्विच ऑफ होता या उसकी बैटरी खत्म होती। तो ये यहाँ से ये जो बदलाव है तकनीक का और सुविधा का, वो उससे अंतर आया है। बदलाव तो भावना में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात सर वही लगती है, क्योंकि मुझे भी अभी ध्यान आ रहा है जैसे मैम ने कहा कि जब मैं जानकी देवी कॉलेज में पढ़ाना मैंने शुरू किया था तब हम लोगों का 3 दिन का उत्सव मना और उसमें डॉक्टर नामवर सिंह आए और बहुत सब बड़े बड़े लोग आए, उनसे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। तो कई बार ऐसा होता है जो धन की कमी, समय की कमी, लोगों के ना आ पाने की जो स्थिति होती है, उस सब की स्थिति में ये जो सिमटना है जो आपने बताया कि अभी भी प्रतीकात्मक रूप से तो हम सब मनाते ही हैं, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम तकनीक के माध्यम से हम लोगों को जोड़ें ज़्यादा? क्योंकि विद्यार्थियों के लिए या ख़ासतौर से जो हिंदी के प्रेमी हैं, साहित्य के प्रेमी हैं, भारत से बाहर भाषा स्कूलों में पढ़ाई जा रही है लेकिन फिर भी साहित्य के प्रेमी बहुत से लोग बैठे हैं, तो अब भी क्या हम उस तरीके से कवि सम्मेलन, उस तरीके से परिचर्चाएं, विमर्श, कुछ इस तरीके से हम नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है कि कनाडा में आकर के आपको शायद ऐसा लग रहा है, पर उतना अंतर नहीं जितना आपके बताने से आ रहा है। हिंदू कॉलेज हो या हंसराज कॉलेज हो या जानकी देवी कॉलेज हो, आज भी वहाँ पर परिचर्चाएं होती हैं, आज भी वहाँ पर कवि सम्मेलन होते हैं, और अब वो जो फेस्ट होने लग गए, एनुअल फेस्ट जिसे बोलते हैं अलग अलग, अच्छा, जी जी जी, तो वार्षिक जो फेस्टिवल है, जो उत्सव है, तो कवि सम्मेलन होता है। ये दूसरी बात है कि उस कवि सम्मेलन का रूप क्या है। जब हिंदू कॉलेज मेरे हाथ में था तो हम इस तरह की कविता प्रस्तुत करते थे जो परिवार में सुनी जा सके, जिसमें जो चुटकुलाश्रित ना हो, जो होता तो अभी भी है, थोड़ा बहुत रूप तो बदलता ही है, भाषा का रूप भी बदल गया है। पहले जिसकी भाषा बोली जाती थी अब थोड़ा इंग्लिश की तरफ लोग चले गए हैं, तो वो है। पर भावना जैसे मैंने पहले भी कहा वो सब ठीक है। और यू हिंदी आप देखिए ना, हिंदी तो विश्व की मुख्य भाषाओं में से एक है। यूनेस्को का आंकड़ा तो उसको बोले जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रथम बताता है, बाद मैंड्रिन आती है, फिर उसके बाद इंग्लिश आती है, फिर स्पेनिश आती है। और जो ये तो हमारे भारत का सौभाग्य है कि जो सबसे ज्यादा बोलने वाली 10 भाषाएं हैं उनमें 4 तो हमारे भारत की ही हैं। और जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। इससे मतलब हमें आश्वस्त होते हैं कि भाई हिंदी बोली जा रही है और भारत के बाहर, क्योंकि आप दोनों ने ही मैम और सर, आप दोनों ने ही भारत के बाहर अनेक यात्राएं करी हैं, आप अनेक देशों में गए हैं,
तो भारत के बाहर आपको हिंदी प्रेमी, हिंदी के उत्साही, क्योंकि हिंदी के कार्यक्रमों में आप लोग गए हैं, तो वहाँ तो आपको बहुत सब लोग देखने को मिले, वहाँ पे जो लेखन हो रहा है वहाँ के लेखकों और लेखन से परिचय आपका हुआ, आप लोगों को वहाँ की स्थिति कैसी लगी? क्योंकि आप अनेक देशों में गए, तो आप लोग तुलनात्मक भी अध्ययन कर सकते हैं कि अमेरिका की कैसी है और बल्गारिया की या मलेशिया की या सब। तीन चार तरह की हिंदी हमको मिलती है, या हम कहें अगर हम देशों को बांट के कहें तो जैसे जो अमेरिका में हिंदी है या विशेष रूप से जो हिंदी का लेखन है वो और इंग्लैंड में जो है, यूके में जो हिंदी का लेखन है वो लगभग एक जैसा है। जो मॉरिशस का है वो थोड़ा सा अलग है, फिजी का उससे अलग है, बोली भी थोड़ी अलग है, हाँ, बिहार के पूरी नाम का सुरीनामी हिंदी वो थोड़ा सा अलग है। और इसके अलावा जो हमारे संयुक्त अरब अमीरात हैं जहाँ पर की सबसे बड़े स्कूल इंडियन स्कूल्स हैं और उनमें नौवीं कक्षा तक हिंदी जो है वो अनिवार्य पढ़ाई जी, सही बात है, वहाँ हिंदी का रूप थोड़ा सा भिन्न है। तो अभी तक हम लोगों को 47 देशों में जाने का अवसर मिला है, क्या और, बात है? और हमने बहुत जगह जाकर इसका अध्ययन किया और कुछ जगह जैसे मैं और सुधा बल्गारिया में प्रवक्ता के रूप में गए, ट्रिनिडाड में दूतावास में भी हिंदी पढ़ाने का थोड़ा सा मौका मिला, और फिर अमेरिका में आकर के भी दो तीन विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मॉरिशस में मैं 3 साल वहाँ मुख्य परीक्षक रहा, तो वहाँ बीए हिंदी ऑनर्स और फ्रेंच ऑनर्स, ज्वाइंट ऑनर्स था, तो अच्छा। पेरिस से फ्रेंच के प्रोफेसर आते थे और भारत से हिंदी के आते थे, और फिर हम लोग इकट्ठे बैठते थे, तो ये सारी चीज़ें तो हिंदी वहाँ द्वितीय वर्ष से, बीए के द्वितीय वर्ष से ही डिसर्टेशन थी लघु शोध। तो इसका मतलब जब विश्वविद्यालय में बच्चे आते थे तो उन्हें हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान होता था कि वो उसे लिख सके इस तरीके से। मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान जी, और वहाँ एमए भी है, और वहाँ सुरेश सेतुपन और शोकर और इसी टंडन जैसे लोग जाकर मेरे से पहले हम सब लोग वहाँ जाकर के करते रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मास्को में हम लोग 2 महीने पहले मास्को में थे जी, में जब हिंदी सुनी तो बहुत अच्छा लगा, और वह जब लोगों ने हिंदी के गीत गाने शुरू किए हमारे साथ तो और भी अच्छा लगा जी। तो मतलब एक आशाजनक स्थिति हिंदी की हमें भारत, भारत से बाहर सब जगह दिखाई देती है। आशाजनक इस रूप में दिखाई देती है कि आप देखिए ना कि अब लोग कल्पना नहीं कर पाते कि अमेरिका की के 65 विश्वविद्यालयों से अधिक में हिंदी पढ़ाई जाती है, 100 से अधिक कॉलेजेस अलग हैं इनके अलावा जिनमें हिंदी पढ़ाई जाती है, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, इसके अलावा लोग मंदिरों में हिंदी पढ़ा रहे हैं जी बिल्कुल, कनाडा में हिंदी पढ़ाई जाती है, सब जगह जो भारतीय भाषा विभाग है उनमें हिंदी अवश्य है, और जहाँ पर इंडोलॉजी है तो वहाँ इंडोलॉजी के साथ हिंदी है। हमें मालूम नहीं था, हम बेल्जियम गए तो बेल्जियम में पता चला कि इंडोलॉजी जो विषय है उस 100 अंकों का जो विषय है उसमें 25 अंक जो है वो हिंदी भाषा के, तो उसके लिए सबसे सबसे बड़ी छात्रवृत्ति है वो हिंदी के लिए। बहुत ही बढ़िया, हाँ, तो ऐसी चीजें हम लोग को बहुत मिलती हैं। और जहाँ मान लीजिए पढ़ाया नहीं जा रहा या कम पढ़ाया जा रहा है लेकिन वहाँ भी हिंदी है, जैसे हम ग्रीस में जा रहे थे जी। ग्रीस में जो हमें नहीं मालूम था कि वहाँ हिंदी सिनेमा ने वही प्रभाव हिंदी का पैदा किया जो कभी तुलसीदास के साहित्य से हुआ, आज भी होता है उस साहित्य से, हम तुलनात्मक अध्ययन उस दृष्टि से भी जी क्योंकि मॉरिशस ट्रिनिडाड की तरफ रामायण का, फिजी सूरीनाम में तो रामायण की बहुत ही प्रसिद्धि है और नाट्य कला के रूप में भी वो लोग प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन हाँ बाकी जगहों पे बॉलीवुड ने अपना काफी प्रचार प्रसार किया है हिंदी का। जो बॉलीवुड वाले जो हिंदी दे रहे हैं मैं समझता हूँ अगर वही हिंदी हो, जैसे हमने देखा कि ईस्ट यूरोप में ज्यादातर वही हिंदी, इसमें उर्दू और हिंदी का मिश्रण है, से विद्वान मानते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही थी, सिर्फ जो उसकी लिपि थी वो लिखने की अलग जी। जो जो पांडित्यपूर्ण विद्वान थे उन्होंने उसको संस्कृत की तरफ मोड़ दिया, और जो मौलाना मौलवी थे उन्होंने उस भाषा को है जो फारसी अरबी की तरफ मोड़ दिया,
इसलिए वो धीरे धीरे ऐसी होगी जो थोड़ी सी बोलने में कई लोगों को उसमें कठिनाई होने लगी, पर वो उसका रूप है, यानी ऐसी जो समझ में आए, जैसे प्रेमचंद भाषा लिखते हैं, जी। दोनों एक ही युग में जयशंकर प्रसाद भी लिख रहे हैं, हाँ दोनों ही बहुत बड़े लेखक हैं, कोई दोनों एक से दोनों कम नहीं है, जी लेकिन जी जी अंतर है। वो ये बात सिद्ध करती है कि हम तत्सम शब्दावली कम प्रयोग करके भी हिंदी जी चस्बो कायम रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और सर कई बार ऐसा होता है कि हम, ये तो ज़रूरी है कि हम अपने शब्दकोश को बचाएं। यहाँ पे जैसे प्रोफेसर आदेश, जो ट्रिनिडाड में भी उनका आश्रम है बड़ा, उन्होंने हमेशा यहाँ पर एक बात कही कि अपने शब्दकोश को भी हमें बचाना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जो जनता है वो प्रायः नहीं भी उसका इस्तेमाल करेगी। तो जो हमारे सरकार की तरफ से जो एक कार्यक्रम चलता है जिसमें कि तकनीकी शब्दों का जो अनुवाद किया जाता है हिंदी में, अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का अनुवाद करके जो एक शब्दकोश बनाया जाता है, तो उसमें मैंने सुना था कि जो मानव संसाधन मंत्री थे वो कह रहे थे कि कई बार इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने कहा कि दूसरी भाषाएं जो हैं, हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उनके पास हो सकता है उसी चीज़ के लिए एक सरल शब्द हो जो हिंदी भाषी भी समझ सकता है। तो बजाय अंग्रेज़ी के तरफ जाने के, अगर हम उस दूसरी भाषा से हम वो शब्द ले लें और उसका इस्तेमाल करें, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि भूमिगत पैदल पार पथ, वो सबवे से जब निकल के आती है दिल्ली में तो भूमिगत पैदल पार पथ, तो जो गांव का व्यक्ति आया है वो उसको शायद वो ना समझ में आए कि ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने कहा कि दूसरी भाषा में है सुरंग मार्ग, वहाँ पे सुरंग मार्ग लिखते हैं दूसरे प्रदेश में, तो सुरंग मार्ग लिख दो, तो बजाय इसके कि हम कोई और चीज़ शब्द में ढूंढें। तो अगर हमारे तकनीकी शब्दों की शब्द मतलब जो शब्द हैं उनका अनुवाद अगर हम लोग सरल हिंदी में कर सकें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग उस शब्दों का, उस भाषा का इस्तेमाल कर सकेंगे। होना चाहिए, क्योंकि सरल भाषा विज्ञान का नहीं है कि हम सरलता की तरफ जाते हैं और कठिनाई से वहां जाते हैं। सुगम होना चाहिए, जब जी जरूर है ना। अब देखिए कितने विज्ञापन सरकार के ऐसे निकलते हैं कि उसमें ऐसी हिंदी होती है कि उसको समझने के लिए उसी दिन का अंग्रेजी का अखबार देखना पड़ता है कि इसमें विज्ञप्ति क्या निकली है, तब समझना जी है। तो उस भाषा का क्या लाभ जिसको समझने के लिए उस विदेशी भाषा का प्रयोग करना पड़े, तो जी क्यों जी लिखे। किंतु क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये भाषा की संस्कृत शुद्धता है। तो मैं उनसे ये बड़ा सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे, हमें जी पढ़ रहे संस्कृत देववाणी है। आज अगर मान लीजिए हम शेक्सपियर की भाषा बोलेंगे कौन समझेगा? आज हम के हिदर दाई शेड नॉट दिदर, कोई समझेगा नहीं, जी वही जी जी बोल रहे हैं। तो जो भाषा समझ में आ रही है तो उसको उसी तरह से क्यों ना बोला जाए जो कि ज्यादा प्रसारित हो। हाँ, साहित्य की भाषा अलग होती है, जब जी हम तो साहित्य जिस विधा में लिख रहे हैं और जो जिस भाव में लिख रहे हैं उस विषय के हिसाब से हम लोग भाषा बदल, भाषा चुनते हैं। जी। अलग है टीवी की, अलग है रेडियो में कौन सी भाषा है। तो इसलिए सारी भाषा साहित्यिक भाषा हो ये कतई जरूरी नहीं। उससे फिर वो भाव रुक जाता है, तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है, बहुत जी वजह से नहीं पढ़ते। और जैसे ही हम अरब देशों में गए, हमने एक अध्ययन किया कि वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि 9वीं कक्षा तक तो वो लोग पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य रूप से, जी। इतने साल हिंदी पढ़ी, वो अचानक फ्रेंच ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंच में अंक अधिक प्राप्त होते हैं, वो लोग अच्छा सी पर नंबर नहीं काटते। ली सोया डी म्यूजिक को उन्होंने लिया, सोरिया डिया म्यूजिक का भी लिख दिया, तो कहते हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि ली सोया डी म्यूजिक लिख रहा है, पर हमारे यहाँ वो कहेगा जी इसने उलू लिखा है, उल्लू लिखना था, ये उकारांत की जगह उकारांत क्यों कर दिया। तो हमने इसका कहा नंबर काट कन्नड़ भाषी है, आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है, जब आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो आप पूरे नंबर क्यों काट रहे हैं। तो उससे हुआ क्या कि अब माता पिता को और बच्चे को तो अंकों से मतलब है, जो हमारा शिक्षा का जी। सिस्टम ने हमको बनाया है उसमें अंकों का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अगर अंक नहीं मिल रहे, 9 साल पढ़ने के बाद भी नहीं मिल रहे, तो सोचते हैं कि फ्रेंच में खूब मिल रहे हैं, तो भाषा का विकास इस तरह से रुक जाता है। ये बात नहीं समझनी चाहिए। तो जो भारतीय फिल्में हैं वो अपने आप इस काम को कर रही हैं, जो टेलीविजन के जी।
और इंटरनेट से तो अब बहुत कुछ हमें इंटरनेट पे उपलब्ध हो रहा है, बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध हो रहा है, बातचीत भी आ रही है। और ये जो भाषा की शुद्धता वर्सेस जो भाषा में जो खुलापन या ढीलापन भी कई लोग जिसको कहेंगे कि उल्लू को उल्लू लिखा, लेकिन हमें ये जो आपने बात कही कि जिस जगह पर ये लिखा जा रहा है, अगर भारत में ये बच्चा कोई लिख रहा है तो शायद उस तरीके से स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि वो गलत भाषा लिख रहा है और उसके चारों तरफ हिंदी बोलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अगर कि विदेश में कोई लिख रहा है तो शायद उसका चौथाई नंबर काट लीजिए ज़रूर, लेकिन पूरा नंबर ना काटे। तो ये ज़रूरी है कि उसको पता भी चल जाए कि क्या मैंने गलत लिखा, लेकिन हाँ दो शब्द सही लिखे हैं तो चलो 75% नंबर मिले, आधा शब्द तुमने गलत लिखा तो चौथाई। तो कोई ना कोई अगर इस तरीके की एक मानकीकृत एक हमारे पास व्यवस्था होती है अगर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए या तकनीकी शब्दों का अनुवाद करने के लिए, तो मानकीकृत ने तो गड़बड़ हुई है कि वो तो इतना मानकीकरण कर दिया कि संस्कृत निष्ठ कर दिया, तो वो फिर जब उसके उसको मिलाते हैं, संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सिविल लाइन्स में ही जा रहा था इंद्रप्रस्थ कॉलेज के बाहर, तो मैंने देखा कि वहाँ एक जगह लिखा हुआ था कि अधीक्षक भैषजिक सेवाएं। तो मैंने सोचा कि क्या होता है भैषजिक, क्या हुआ, अधीक्षक तो समझ में आ गया। दूसरे द्वार पर गया तो वहां पर लिखा हुआ था कि सुपरिटेंडेंट मेडिकल सर्विसेज। अब जब हमारे पास चिकित्सा शब्द है, सारी दुनिया उसको समझ रही है, तो उसको भैषजिक करने की जरूरत क्या, कि आप उसको गुरु क्यों कर रहे हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। तद्भव शब्द हमारे जो काम कर रहे हैं, तो तद्भव भी तो हमारी तो शब्द है, तत्सम से उसका उपयोग कीजिए। और फिर जो उर्दू के, बंगला के, पंजाबी के, मराठी के, गुजराती के, जैसा आपने बताया जो प्रचलित शब्द आ रहे हैं जिससे अर्थ ज्यादा स्पष्ट हो रहा है, तो अगर हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। अब मेरे खाने में रुपयों के अतिरिक्त यदि डॉलर्स भी आ जाएं, यूरो भी आ जाएं, पौंड भी आ जाएं, तो मैं अधिक अमीर हुआ कि गरीब हुआ, संपदा तो मेरी है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हम दूसरी भाषाओं से, अपनी भारतीय भाषाओं से इस तरीके से संपर्क में रहेंगे और उनसे शब्द कुछ लेंगे, तो उन भाषाओं की भी कोई लड़ाई नहीं रहेगी कि हमारी भाषा को पीछे कर दिया गया और हिंदी को ही आगे बढ़ा रहे। तो उन्हें लगेगा कि ये आपसी मतलब जो एक आदान प्रदान है उससे हम सबका ही भला होने वाला है। तो सर ये तो ठीक है कि मानकीकृत करने वाले लोग जो बैठे थे उन्होंने उसको इतना तत्समनिष्ठ कर दिया जिससे लोग नहीं बोल रहे, क्या इसको बदला नहीं जा सकता? नहीं, उसको बदला जा सकता है, लेकिन क्या है कि अभी वो अधिकार तत्व तो आ नहीं रहा उस पीढ़ी के पास। बड़ी मुश्किल से, तो पहले क्या होता था कि हिंदी में 10 में से 6 अंक देने के बाद ना हाथ बढ़ता नहीं था कि 7 दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान है सर वो समय। हाथ कट के गिर जाए, ऐसी स्थिति थी। तो अब वो, और दूसरे लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे, उनके नंबर हमारे हिंदी के लोग जा नहीं पाते थे। तो जब भी थोड़ा सा नई चेतना आई, बाकी भाषा को लेकर ये है कि दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने एक और चीज सोची हुई है। हम जब हम भाषा की बात करते हैं हिंदी की, तो वो हिंदी साहित्य सोचते हैं उसको। मैं निवेदन करता हूँ कि जब हम अंग्रेजी कहते हैं तो उसका मतलब क्या थॉमस हार्डी होता है, शेक्सपियर, मिल्टन या बायरन होता है। तो आप उसमें इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सोशल साइंसेस की बात करते हैं, तो हिंदी वो माध्यम है, उसी माध्यम को आप कहिए। वो केवल साहित्य नहीं है, साहित्य एक प्रखर रूप है, पर उसी को कैसा भी कबीर तुलसी बोल रहे हैं वो नहीं, हम हिंदी जैसे अब आप मीडिया पे हैं तो मीडिया की बात कर रहे हैं, भाषा हमारी यही है। जी जी। और बाकी आज अगर हम कहें कि जैसे हम आप सर कहते हो, मैडम कहते हैं, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, माइक है, स्काइप है, सब अब हम जबरदस्ती इनके नाम बदलने शुरू कर दें। अब सारी दुनिया समझती है, भी समझता है कि सर का मतलब क्या है, टेबल का मतलब क्या है, माइक क्या है, रोड क्या है, क्रॉस करना है, साइन कर दो, तो उससे क्या होता है वो उसको स्वीकार्य कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाषा के प्रति सम्मान जरूर हो। हमारे क्या है कि भाषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति सम्मान की दृष्टि थोड़ी कम है, कि अपनी वो बताएंगे, माता पिता गर्व से बताते हैं, ओ हो जी हमारा बेटा तो जी वो हिंदी में बड़ा कमजोर है, तो उसको गर्व से बता रहे हैं जिसमें शब्द है ना। और ठीक है आप बताओ अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है, आशा का माँ है होनी चाहिए, उसको भी पढ़ी,
उसको भी सम्मान कीजिए और अपनी भाषा ही पढ़िए, अपनी तो पढ़िए। अब अभी आपने हमारे जो नाचियों को देखा जी, रहते हैं बचपन में अंग्रेजी से ही पले बड़े हैं, लेकिन हाँ, सही बात है, घर में हिंदी बोलते हैं तो उनके माता पिता के साथ हिंदी बोलते हैं, दादा दादी हिंदी बोलते हैं, हमारे साथ हिंदी में बात करते हैं, तो वो सारे रूप इनके पास है। तो जो बोलने वाली बात आस्था नहीं की, मैं कुछ ज्यादा बोल गया सुधा जी? नहीं नहीं मैम, आप कुछ कह रही थी हाँ बीच में। नहीं, मैं ये कह रही थी कि भाई वो भाषा जो है वो सरल की ओर ही जानी चाहिए। सरल कहते हैं जैसे हमने भाषा विज्ञान में पढ़ाते ही है बच्चों जी को। जी अभ्रंश प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से बोलियां और बोलियों से हिंदी की पानी की तरह है। बिल्कुल, पानी नीचे की ओर जाता है, वैसे भाषा भी हमारी सरल कठिन से सरल की ओर ही अच्छा, और वो देखिए अब गोमुख से जो गंगा निकलती है तो उसकी धार पतली होती है और बहुत शुद्ध होती है कि आप आर पार देख सकते हो। आते आते गंदली हो जाती है लेकिन बड़ी हो जाती है, और संगम तक आते आते और बड़ी हो जाती है और गंदली हो जाती है, उसमें खराबियां आ जाती हैं, और जब तक वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका पार्ट इतना चौड़ा है कि हम एक साथ उसको देख नहीं सकते, लेकिन गंगा रिमेन्स गंगा, वो गंगा ही रहती है। अब हम कोई ये सोचे कि इस गंगा को पलट के कलकत्ता और इलाहाबाद और हरिद्वार ऋषिकेश और फिर गोमुख में ले जाओ तो संभव नहीं। तो जो चीज वैदिक संस्कृत से आई है, लौकिक संस्कृत में आई, उसके बाद पाली में आई, प्राकृत अभ्रंश है ना, हिंदवी से होती हुई खड़ी बोली के रूप में, उसको हम दोबारा से ये कोशिश करें उसको दोबारा वहां ले जाओ तो वैसा नहीं होगा। दूसरी भाषा का अखबार पढ़ के इसका अर्थ जानना पड़ेगा। मुझे लगता है सर सबसे बड़ी बात वही जो आपने कहा था, क्योंकि भाषा में हमारी अन्य भाषाओं का मेलजोल हो और या अंग्रेजी के कुछ प्रचलित शब्दों का हम इस्तेमाल करें वो तो एक बात सही समझ में आती है, लेकिन जो गौरव की बात जो आपने कही थी कि हम इस बात पर गर्व करें कि हिंदी हमारी भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है, और जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, वहाँ पर अगर हम हिंदी भाषी प्रदेशों से पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम अपनी जो चिट्ठियां हैं उनको हम हिंदी में ही लिखें बजाय इसके कि हम अंग्रेजी, और हिंदी में चिट्ठी लिखें तो ऐसी लिखें जो समझ में आ सके। जो लोग मान लीजिए हिंदी में लिखे या नहीं लिख पा रहे किंतु हिंदी के प्रति सम्मान की भावना कम ना करें, उसको ये ना सोचें कि हिंदी बोलना या उसका अखबार रखना या किताब रखना अपमान है, वो बिल्कुल है ना, उसको एक हीन भावना नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बीच में तो ये एक बात हो गई थी कि अगर हिंदी का कोई उपन्यास पढ़े, अच्छा तुम हिंदी पढ़ती हो क्या, हिंदी के उपन्यास पढ़ती हो, ये इस तरीके की भावना को हटाने के लिए मेरे ख्याल में हिंदी दिवस का प्रतीकात्मक रूप में आना और फिर से लोगों को जोड़ने की कोशिश करना तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा सुझाव आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम गर्व की भावना को फिर से, गौरव की भावना को, हिंदी के प्रति गौरव की भावना को फिर से स्थापित कर सकें, उसके लिए कोई संदेश सुझाव कोई आप लोग देना चाहेंगे? एक सुझाव बड़ी विनम्रता पूर्वक देना चाहूंगा जी। कि जो भी हम नई शुरुआत करते हैं या जो भी चीज हम स्थापित करना चाहते हैं तो अगर हम उसको हम आधार से करें तो हमेशा ज्यादा परिपक्व होती धीरे धीरे आती जी, जी। तो हम नर्सरी से किंडरगार्टन से शुरू करें, हम उन स्कूल के विद्यार्थियों को बुलाए या ना बुलाए जो छोटी कक्षाओं में, उनके माता पिता को बुलाए जो अपेक्षाकृत युवा होते हैं 32 साल 35 साल से, और उनको हम ये कहें कि आप अपने बच्चों के साथ अपनी भाषाएं बोलिए, आप गुजराती बोलिए, उर्दू बोलिए, पंजाबी बोलिए, जो आपकी भाषा है वो बोलिए, और एक भाषा जो हमारी सबसे बड़ी है जिसको 48% व्यक्ति भारत में बोलते हैं, वो अगर वो राजमाता का रूप ले रही है तो उसको का सम्मान दीजिए। तो आप जब उस सम्मान की बात बच्चे से करेंगे तब बच्चा भी सीखेगा। तो उनको बताया जाए कि आपको अपनी भाषाओं के प्रति गर्व महसूस करने की भावना बच्चे में उत्पन्न करनी है, जैसे आप और चीजें उसको सिखाते हैं, आप उसको उसको बेशक वो अंग्रेजी की राइम्स भी सिखाइए, उसको हिंदी के प्रति उसकी भावना को जागृत कीजिए। ये मैं एक संदेश है, छोटा सा संदेश पर बहुत अच्छा संदेश। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, इसमें जोड़ना चाहेंगी सर की बात में? मैं यही कहूंगी कि हिंदी के लिए हमें कुछ करना है तो अपने बच्चों से शुरू करना चाहिए, छोटे बच्चों से ही हमें हिंदी के प्रति उसके मन में प्रेम की भावना पैदा करनी चाहिए, ये नहीं कि हिंदी के प्रति एक हीन भावना पैदा करें, क्योंकि वो कहते हैं अरे हिंदी हिंदी बोल के क्या होगा, हिंदी का यूसेज क्या है, ऐसा कई बार, और जब माता पिता बताते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हिंदी बोलने वाली, और आप सोचिए कितने लोग
हिंदी से जब ही। करोड़पति एक प्रोग्राम हफ्ते में एक बार होता है, कितने करोड़ रुपए उसको उसके प्रस्तुतकर्ता श्री अमिताभ बच्चन लेते होंगे? कौन सी भाषा ऐसी है जो इतने पैसे देती है? लता मंगेशकर ने, वो मराठी भाषी हैं, उनके सबसे अधिक प्रसिद्ध गीत और सबसे अधिक चले हुए गीत हिंदी के हैं, और वो हिंदी ने उनको इतना धन रचा, मान सम्मान दिया है। सही बात है, सही बात है। विज्ञापन बनते हैं मीडिया के, जब भी कोई विदेशी कंपनी आती है, जब तक वो हिंदी में एक अच्छा बजट नहीं रखती, तब तक वो उनकी, चाहे वो कोई सी भी कोला, वो चलती नहीं है। जी जी, नहीं सही बात है बिल्कुल। और यही आपकी बात सही है कि माता पिता जब तक नहीं जुड़ेंगे और माता पिता वो भावना बच्चों में नहीं डालेंगे, तब तक वो काम हो नहीं सकता। सामने उदाहरण बनना है, खुद भी भाषाओं का सम्मान करना है, और चूंकि वो एक विशेष भाषा है हमारी, उसका विशेष सम्मान करना है। और वैसे हिंदी का प्रचार हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत करती हैं। जैसे हम लोग गए इधर ताशकंद गए, तो उधर के लोग जो जा रहे थे कहते हैं यू आर इंडियन, मतलब पूछ रहे थे हमसे। जी जी, हिंदी गाना आवारा हूँ। अच्छा, एक बार हम कहाँ गए थे, बल्गेरिया के पास, ग्रीस में गए। हाँ, ग्रीस में गए थे, तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया, मेरे से बोला आई लव यू, मैं तुमको प्यार करती हूँ। अच्छा, जी जी जी, नहीं वो ये बात हुई है कि विदेश, जो भी विदेशी लोग हैं, वो गानों के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, और हमारे बच्चे मंदिरों में, स्कूलों में जा कर के भी, और यहाँ पर मैं जो देखती हूँ, वो बहुत सारे वेद मंत्र बच्चों को सिखाए जाते हैं, माँ बाप घर में सिखाते हैं उनको पूजा करने की विधि और सब, तो उससे भी वो बहुत अधिक जुड़ते हैं। मैं आप लोगों को एक और सूचना भी देना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे हिंदी राइटर्स गिल्ड हमेशा हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हम बच्चों को बुलाते हैं स्टेज पर, वो बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो इतनी अधिक संख्या होने लग गई थी कि पिछली बार हमने उनके ऑडियो वीडियो क्लिप्स मंगाए, क्योंकि कई बार स्टेज पर आने में बच्चे को थोड़ी सी झिझक होती है, समय लगता है, तो उन लोगों ने 3-3 मिनट के क्लिप्स, और इस बार भी ये हो रहा है कि 10 सितंबर तक उनको भेजने हैं, अगर आयुष और अर्जुन भेजना चाहें तो वो भी भेजें, और वो 3 मिनट के क्लिप अपनी कविता या कुछ भी अपनी प्रस्तुति हिंदी में करते, और फिर हम माता पिता और सबको उनको बुला के दिखाते हैं, और बच्चों को सर्टिफिकेट कुछ उनको उपहार दिया जाता है, ताकि उन्हें लगे कि हमें कुछ मिला है हिंदी बोलने से, कुछ मिलता है। यही जो आप पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये नई नई चीजें हैं और बच्चों से शुरू हो रही है। अभी अर्जुन का कुछ दिन पहले जन्मदिन था, तो उसमें यज्ञ किया गया, और ये लोग भारतीय परिधान में, जैसे आज भी आपने देखा, वही कुर्ता पहन के बैठे थे। अगर वो चित्र आप देखें तो आपको लगेगा ही नहीं, भारत के जब आप चित्र देखते तो लगता है अमेरिका में बैठे हैं, और यहाँ चित्र देखते तो लगता है कि भारत में बैठे हैं। तो भारतीयता भारत से बाहर अधिक हो जाती है विशेष अवसरों पर। जी जी, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा सर कि आप लोगों से बातचीत हुई। अब मैं जानती हूँ कि आप इतवार को भारत लौट रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से स्काइप के माध्यम से मैं जुड़ूंगी अनेक बार, और हम अनेक विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों को और श्रोताओं को भी हम लोगों का नमस्कार। चूंकि ये लाइव प्रोग्राम था, तो हो सकता है कोई चीज हमने ऐसी कही हो जो उनको आपत्तिजनक हो, तो वो ऐसा सार सार गई करे, तो था दिए उड़ाए। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आज मैं एक ऐसे परिवार से मिली जिसमें 3 पीढ़ियों से लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। आचार्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी, जो कि हिंदी के विभागाध्यक्ष थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो, और फिर उसके बाद उनकी पुत्री डॉक्टर स्नेह सुधा नवल, डॉक्टर हरीश नवल, उन्होंने भी हिंदू कॉलेज और दौलतराम कॉलेज में हिंदी पढ़ाई। इसके बाद डॉक्टर आस्था नवल, जो अब कम्युनिटी कॉलेज मैरीलैंड में हिंदी पढ़ा रहे हैं, और सबसे नन्हे जो पीढ़ी है आयुष और अर्जुन, उनकी भी आपने हिंदी देखी, हिंदी से जुड़ाव देखा उनका। तो हिंदी दिवस पर ऐसे समर्पित परिवार से बातचीत करना और उनके विचार जानना हिंदी को आगे बढ़ाने के बारे में, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। आशा है आप लोग भी अपने परिवार में बच्चों से हिंदी में बातचीत करते रहेंगे और हिंदी के प्रति गर्व और गौरव की भावना को बनाए रखेंगे, हिंदी के साहित्य को पढ़ेंगे और हिंदी की खबरें, हिंदी भाषा से जुड़ाव जहां पर भी, जहां तक भी संभव हो सकेगा आप लोग करेंगे, ताकि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली ये भाषा
बराबर चलती रहे, जीवित रहे। अन्य भाषाओं से भी हम शब्द लेते हैं, उनके साथ भी हमारा संपर्क बना रहे, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में, भारत की पहचान के रूप में, हमारी अस्मिता और अस्तित्व की पहचान के रूप में हिंदी सर्वप्रथम हमें दिखाई देती है। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। पिछले कार्यक्रमों को देखने और पसंद करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। पुनः आप सबको सितंबर 14 के हिंदी दिवस के लिए अनेक शुभकामनाएं, बधाई। जहां पर भी हैं प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।